अबे खोलो ना, चलो आगे खट रखियो एक्सीलेटर। भाई ये तो बहुत बड़ा नाला है भाई, नहीं आराम से। बहुत नीचे बहुत नीचे बहुत नीचे बहुत नीचे गाइस, टायर फट चुका है, फट चुका है पूरा, फ्लैट हो चुका है, इसमें ना पत्थर लगा है। ओके 3 2 1 गो। चल छोड़ ब्रेक, ब्रेक छोड़। ध्रो मत देख हर्ष प्लीज मेरे भाई, मिलेगा भाई हर्ष, भरोसे ना पे भरोसा रख, मिलेगा। एक और कांड हो गया, बाइक का टायर तो फट गया था हमारा, हर्ष का आईफोन भी खो गया गाइस। सही गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस, एपिसोड 8 ऑफ द लेह लद्दाख सीरीज। एंड आज इस एपिसोड की शुरुआत हो रही गाइस स्पेशली फ्रॉम धारचा। यू रिमेंबर लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग यहाँ पर पहुंच गए थे, हम लोगों ने अपनी बाइक्स कर दी थी यहाँ पर पार्क्ड, दो बाइक यहाँ पर है, एक बाइक यहाँ पर है और मेन हाइलेक्स यहाँ पर है। फिलहाल द थिंग इज गाइस, ये लोग सुबह सुबह उठ चुके हैं एंड ये लोग निकाल रहे हैं सामान बाहर। सुबह सुबह मेरी बहन कपड़े निकाल रही है, जो उसमें खोल रहा वो हमारा ऑल डोर की क्या कर रहे होंगे, मैंने ऐसे पढ़ के ना मोए में लग गए, मुझे पता था आएगा। गाइस अभी सुबह के बजे 9, द थिंग इज मैं आज सुबह इन्हें जल्दी इसलिए उठा रहा था बिकॉज 11 बजे तक हम लोगों को ना क्रॉस करना है इनका बैरियर, एंड ये बैरियर यहाँ से ऑलमोस्ट लाइक 5 मिनट के ऊपर है। बट चेक दिस आउट गाइस, पीछे क्या मस्ट वेदर हो रहा है। द थिंग इज कल रात ना लैंडस्लाइड हो गया था, तो फिर उस कारण से ना रोड बंद हो गई थी, सो हम लोग ना जरा भी लेट नहीं कर सकते एंड हम लोगों को 11 बजे तक बैरियर क्रॉस करना है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 9:20 फॉर नाउ एंड ज्यादा लेट करेंगे तो फिर आज हम लोगों को यहाँ पर क्रॉस नहीं होने देंगे। सो मैंने इन्हें जल्दी उठा दिया था, अभी मुझे पता इन लोगों ने आधे घंटा निकाल, आधा घंटा लगाने कम से कम। चलो यार चलो जल्दी तैयार हो जाओ गाइस, फ्यूल भी हमारा यहीं पर रखा है, शुगर है, चुरा चुरा नहीं बट इसे लीक हुआ है फ्यूल, लोगों ने ना फ्यूल ले लिया था। फिलहाल अभी फटाफट फटाफट रेडी होते गाइस, इसके बाद निकल, इसके ही खोल के निकाल लेना अंदर, यहाँ पे गंदे होंगे, मैं आपको बेड पे देख, फिर लेट होनी है गाइस। मुझे पता है हर्ष इतना सच्ची में इतना लेट करा देना क्या ही बताऊं। अभी देखना गाइस मैं आपको टाइम दिखा रहा हूँ, 9:20 हो चुके ऑलमोस्ट एंड इसके बाद Let's go guys, तैयार होते हैं। Okay boys, we are finally ready to move. And the thing is guys, check this out. हम लोगों ने ना दो फ्यूल कैन रखे थे, एक ये वाला और एक ये वाला, और चेक दिस आउट, ये वाला कैन ना लीक कर रहा है यहाँ ऑलमोस्ट इस वाले कैन में ना 17 लीटर आया था बट इसमें से ऑलमोस्ट 1.5 लीटर तो उड़ी चुका है। हम लोगों को कैंस ना घर से चेक करके लेकर के आने चाहिए थे बिकॉज हम लोगों ने यहाँ से कैंस ले लिए थे बट व्हाट हैपेंड, एक में लीकेज थी सो फिर अब एक में से फ्यूल निकल रहा है। खैर हम लोग सरचू में पहुँच करके फ्यूल अप करा लेंगे, इट्स गोना बी अप्रॉक्सीमेटली लाइक 80 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। सब लोग सामान लोड करके बैठे हैं और मैंने आपको कहा था ना गाइस सबसे लेट इंसान वो देखो, सबसे लेट इंसान वहाँ से आ रहा है हर्ष, 10:15 होने वाले ऑलमोस्ट, 11 बजे वो लोग क्लोज कर देंगे। सो फटाफट फटाफट सामान लोड करते हैं और फिर निकलते हैं यार। ओके बॉयज हम लोग निकल ही रहते हैं एंड हमें मिला एक नए दोस्त यहाँ पर, क्या नाम है आपका? कौशल। गाइस कौशल को मैंने बहुत सारे चिप्स दिए, कौशल ये बचा के रखना, हम लोग आते टाइम खाएंगे ठीक है, और किसी को मत देना, ये दो आपके भाई हैं इनको तो बिल्कुल मत देना, समझ रहे हो? ठीक है कौशल, ले कोई नहीं मैं छुड़वा दूंगा ठीक है, बट गिन के रखना इन्हें मत देना, ये रात को खा लेंगे, एक दिन छुपा के रखना ठीक है। गाइस ये देखो, ये इंसान काम करने वाला आज फाइनली काम कर रहा है। कितने बजे काम हो रहा है? 10:20 पे तो काम हो रहा है। ये मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ। ओके बॉयज आज के लिए कोल्ड स्टार्ट हो गई हमारी आईबूसा एंड यू कैन चेक दिस आउट गाइज, ऊपर आते ही ना कितना ड्रास्टिक चेंज मिलता है लाइक एल्टीट्यूड में ना, देखो पहले कितनी लाउड स्टार्ट होती थी बट अभी कितनी लो स्टार्ट हो रही है एंड ऊपर जा कर तो और कम हो जाएगी गाइज। ये लो मेरी बहन, आराम से चलाना, आज मत गिराना बाइक, S1000 हो जाएगा इस फुल पावर स्टार्ट। बाय बाय, ध्यान रखना, आते हुए खाएंगे हम लोग ठीक है, बाय बाय। गाइस शुरू होती है आज की राइड हमारी एंड द थिंग इज गाइस आज एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम राइड शुरू हो जाएगी। रितिका को मैंने अपने पीछे ले लिया बिकॉज आज बहुत मजा आने वाला है गाइस ट्रैवल पर, तो उसको भी पहाड़ों के नज़ारे दिखाएंगे हम लोग। बट बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, फर्स्ट टाइम लाइक ले लद्दाख कर रही है एंड सब कुछ मैनेज करके रखती है, सबसे बड़ी बात है गाइस मैनेजमेंट की। फिलहाल ना ऊपर जाते हुए एकदम ख़राब रास्ता है, हायाबुसा और S1000 निकल जाएगी। भव्य भी सही चलाती है, भव्य कंपैरेटिवली सही चलाती है गाइस बाइक। चेक करो गाइस कितनी सुंदर जगह पे है, आज से जो आपको नज़ारे दिखने वाले हैं वो ब्रेथ टेकिंग होंगे। फिलहाल अभी ना थोड़ा थोड़ा हाइट पर हम लोग जा रहे हैं तो फिर उस वजह से ऑक्सीजन हल्की हल्की कम होती जा रही है, तो ब्लॉगिंग में ना हल्का सा फ़र्क पड़ेगा। अभी यहाँ तो ठीक है, फिर भी 12 पास पर थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम लोगों ने डायमॉक्स की गोलियां तो ले ली हैं गाइस, ताकि भव्या और हर्ष को एटलीस्ट हम लोग डायमॉक्स खिला सके,
डायमर्क्स से ना ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होती। तो यार चेक दिस आउट, हम लोग ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर आएंगे मनाली से, एंड आप जो वेजिटेशन में चेंज देख रहे हो, देखो रितिका यही बता रहा था मैं, ये जो पहाड़ दिख रहे ना, यहाँ पर ना ग्रीन वेजिटेशन नहीं आता, बिकॉज यहाँ पर हाँ यहाँ पर नॉर्मल क्या रहता है, लाइक बारिश बहुत कम होती है तो बहुत कम वेजिटेशन मिलेगा। देख रहे हो नंगे पहाड़ है पूरे। क्या हाल है? बढ़िया। आगे रुकते भाई, आगे रुकते आगे। गाइस पहुंच गए हम लोग चेक पोस्ट पर, यही पर है वो चेक पोस्ट जहाँ पर हम लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है सब कुछ। टायर गया, क्या हुआ? फ्लैट हो गया, फ्लैट हो गया टायर। ओ आपको बोला था ना सॉफ्ट हो चुका है बिल्कुल, एक बजरी भी अंदर जाएगी अभी, वही हुआ, बजरी से फटा यार। ये कलेश होना दिक्कत है। चलो पहले वो करवा लो, पहले एंट्री करवा लेते हैं फिर निकलते हैं। गाइस BMW का टायर गया। आ जाओ आ जाओ, हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। चलो चलो, हाँ हो रहा है, मैं करवा रहा हूँ, आगे रोक लो। टीआर गाइस एंट्री हो चुकी है हमारी, बट एक दिक्कत अभी हो गई है कि यहाँ BMW का टायर हो चुका फ्लैट। भाई नहीं है, पंचर नहीं लगेगा, फट गया टायर, पीछे करो गाइस, टायर फट चुका है। ये चेक करो, ये चेक करो भाई, ये सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स हैं, ये नहीं चलते, टायर तो बहुत बचा है भाई। ओके यार, तो जिसका डर था वही हुआ, मुझे ना नहीं बोलना चाहिए, जो मैं बोलता ना वो सच हो ही जाता है। यहाँ चेक करो गाइस, BMW में कितना मोटा, लाइक साइड से दिखाओ फट चुका है पूरा, फ्लैट हो चुका है गाइस, इसमें ना पत्थर लगा है। हाँ ये है भाई, ये ना सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स होते हैं गाइस। आई रिमेम्बर एको लास्ट टाइम हम लोग जब लेकर गए थे हाईवे पे, हम लोग 60-70 चल रहे थे, एक पत्थर लगा पूरा फट गया, एंड हम लोग ऑफ रोड में लेके गए थे तो ये भी फट गया। फिलहाल देखेंगे गाइस, अभी हम लोग इसे ना हाईलेक्स में लोड कर रहे हैं, बिकॉज और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। हमें जो नया टायर मिलेगा वो हम लोगों को ले ही मिलेगा, ले तो आराम से मिल जाएगा उसके टायर, है ना। सो फटाफट गाइस, अभी हम लोग हाईलेक्स पे ना स्पेस बना रहे हैं, इसीलिए एक बैकअप व्हीकल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधा सामान हमारा फ्रंट पे लोड हो जाएगा, एंड फिर हम लोग बाइक के लिए स्पेस बना लेंगे। लद्दाख तक हम लोगों को खींच करके लेके जाना है गाइस BMW को, बट क्या ही कर सकते हैं, अब ये कांड हो गया तो हो गया, लोड करते हैं गाइस इसे फटाफट। ओके गाइस, मैं हमेशा से बोलता हूँ हिमाचली लोग आर ऑलवेज हेल्पफुल, थैंक यू सो मच भाई। ये भाई मिले हमें, इन भाई ने हमें ट्यूब दिया गाइस, एक नहीं गाइस, और पैसे भी नहीं ले रहे, मैं क्या ही बताऊं गाइस, बहुत सारे प्यारे हिमाचल से। ओके गाइस, हम लोग भी सरचू तक का ही प्लान करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे, बिकॉज उससे आगे जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। फिलहाल अभी सामान लोड हो रहा है गाइस, सारे बैग्स आगे लोड कर रहे हैं। ये वाला बैग नीचे रखो, बड़ा वाला बैग ऊपर रखो। बड़े वाले बैग पे बाइक आएगी, हमें ना बैग इस तरीके से शिफ्ट करने गाइस, हमें ना बैग इस तरीके से शिफ्ट करने कि ना पीछे भी इनफ बैग्स हो जाए गाइस बाइक के लिए, और आगे ना और ऊपर भी ज़्यादा लोड ना हो गाइस। वो चेक करो हर्ष, तेरे साइज का याक आ गया, देख वो चेक करो गाइस, याक अबे बीमार रही है। हर्ष हर्ष ओ मैं हर्ष कहाँ जा रहे हर्ष सर चूतर है अरे मैं वहाँ मत जा। आगे घुसा हट, हां ठीक है ठीक है। ओके गाइस चेक दिस आउट, हम लोगों ने BMW S1000 लोड कर लिया गाइस हाईलेक्स पे, हालत खराब हो चुकी है बैंकर। एंड द थिंग इज गाइस, अभी हम लोग ऊपर वाले बैग्स वापस कॉल करके नीचे, बिकॉज़ द थिंग इज बाइक ना स्टेबल हो जाएगी गाइस। यू के साथ से मेरे लौंडे आर ऑलवेज हियर, उत्तराखंड के लोग हमेशा सपोर्ट करने के लिए रहते हैं, सही है ना, पहाड़ के लोग, हिमाचल के लोग, उत्तराखंड के लोग हमेशा। थैंक यू सो मच भाइयों, इन्होंने बाइक भी ऊपर करवाई, सब कुछ करवाया गाइस। आगे अभी एंड थिंग इज गाइस, अभी सबसे मेन पॉइंट है इसको आगे, हाँ उसके फेयरिंग पे पैर रख। एंड थिंग इज गाइस, अभी फ्रंट व्हील चोक कर रहे हैं और ये वाले बैग्स निकाले, लिल रख निकाला पहले बाइक को तो बांधो गाइस, हाथ धुले जा रहे हैं, अरे चोट भी लग गई यार एक जगह पता है, और ये टाटू निकल गया मेरा, मेरे टाटू निकल गया भाई, टाटू छिल गया मेरे। गाइस सबसे ज्यादा काम आज मैंने, सतीश जी और दुष्यंत ने करा है, और एक इंसान है जो बस केवल छत में बैठ रखा था,
थक गई मैं सबसे ज्यादा, तो मैंने काम किया था। बस खाते रहे ना, गाय ने पैकेट खोल रखा, चुपचाप आगे खाए जा रहे, खाए जा रहे। खाने मोर रही भैया ना आ जाएगी। अरे मुंह में बोल रखा गाइस, सच्ची में कुछ काम नहीं करते लोग, कुछ काम अपनी S1000RR हो चुकी है यहाँ पर लोड। एंड द थिंग इज़ हम लोगों ने पीछे से भी व्हील चोक कर दिया, आगे से भी पूरा सब कुछ चोक दे। ये टायर ना पता है, ये टायर पता है किसकी वजह से गया? नाजी भैया की वजह से। ये टायर चलता भी कम से कम ये पूरी ट्रिप, बट नाजी भैया ने इसके बर्नआउट ज्यादा मार दिए थे। हायाबुसा इज वेल एंड लोडेड एंड ज़ीनोस का टायर भी नहीं है भाई। जब से हाइलेक्स लिया है ना कस्टम से, ये चेक करो भयंकर, सारा सामान बाइक लोड और भाई फुल लोडेड गाड़ी चल रही है हमारी, एसी मशीन है गाइस। यहां चेक करो ना भयंकर, टायर पूरा फ्लैट हो रखा है, बाइक लोडेड है ऑलमोस्ट 150 किलो का लगेज लोडेड है। एंड हम लोग ना आराम से स्पीड भी कर सकते हैं अब, बिकॉज इतना ज्यादा लोड नहीं है। एंड नेट आर हम लोगों को ले लद्दाख में मिल ही जाएगा। तो द थिंग इज बॉयज, चेक दिस आउट, क्या जम के चल रही है हमारी गाड़ी। बट आपको एक चीज़ और नज़र आ रही होगी कि ना हाइलेक्स बॉबल भी कर रही है, बिकॉज पीछे वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो रखा है। बट हम लोगों ने ना S1000RR को एकदम जम के बांधा हुआ है, बिकॉज अभी ना बारालचा पास क्रॉस करने वाले हम लोग, एंड यही सबसे टफेस्ट पास होने वाला है आज का। ओके बॉयज, खराब रोड आर हियर, बहुत आराम से लेकर के जानी पड़ेगी। पहले ना हाइलेक्स को आगे भेजते, बिकॉज मुझे चेक करना, वो हिल तो नहीं रही। बट सामान ना बहुत अच्छे से पैक हुआ है पीछे, तो मसला नहीं है किसी भी चीज़ का। बट वाटर क्रॉसिंग है गाइस, तो आराम से निकालनी पड़ेगी गाड़ी भी। गाइस आराम से निकल गए यहाँ से, तो ना रोड पूरी एक्सट्रीम आने वाली है एंड हम लोगों को आराम आराम से चलना पड़ेगा। बिकॉज एक चीज़ मैं आपको बता दूँ गाइस, अभी ना चढ़ाई है, तो चढ़ाई के कारण ना बाइक का पूरा लोड और सामान का पूरा लोड पीछे आएगा। रस्सियाँ बांधी भी हैं, बट जस्ट इन केस ऐसा ना हो बाइक फिसल के बाहर आ जाए। ओके बॉयज, ये थोड़ा सा बड़ा वाटर क्रॉसिंग है भाई, बाइकें दिख रही है आराम से थोड़ा सा यार। हाँ जी, छोटा सा राइड चाहिए था बस। नहीं बाइक नहीं मिलेगी, आप ही चलाओगे, हम पीछे बैठेंगे। बाइक पे नहीं हो पाएगा यार भाई, फोटो ले तो ली थी पीछे भाई, मैं शॉर्ट राइड दे रहा हूँ बस, दैट्स इट, क्योंकि हम लोगों को निकलना है, गिरना मत। गाइस सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पूरी करते हुए लेट्स गो, लेट्स गो भाई। नहीं नहीं भाई, चलो उतर जाओ यार। हाँ डन डन डन, चलो लेट्स गो, शुक्रिया। ब्रोक सिंगल आता है यार, चलो लेट्स गो। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू सो मच। हाँ श्योर आ जाओ, हाँ श्योर आ जाओ, हाँ श्योर ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। गाइस रैंडम डिमांड रहती है सब्सक्राइबर्स की कि भाई एक राइड करवा दो भाई, फिर वो किसी की मम्मी थी यार, उन्होंने रिक्वेस्ट करा, मैंने करवाई थी, मैंने कहा कोई बात नहीं। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग एक मिडिल क्लास फैमिली का ना सपना होता है बाइक्स पर बैठना, मैं तो बैठ पा रहा हूँ आप लोगों के दुआ के कारण। कभी कोई रिक्वेस्ट करते थे तो कोई दिक्कत नहीं। पहली बर्फ आ चुकी है एंड ऐसे ग्लेशियर्स ना आगे तक मिलते रहेंगे, ये केवल इनिशियल ग्लेशियर्स है गाइस। अब यहाँ से ना दिन में क्रॉस कर रहे हैं, सो नॉट अ बिग डील। बट लास्ट टाइम हम लोगों ने गलती कर दी थी कि हम लोग रात को आए थे यहाँ से, एंड रात को आते हुए ना यहाँ पर टेम्परेचर -17 -18 पहुँच जाता है। अभी तो दिन में टेम्परेचर बहुत सूदिंग है, तो ठंड का ना पता लगेगा, आराम से हम लोग क्रॉस भी हो जाएंगे। यहाँ से सरचू बचा है केवल 60 किलोमीटर गाइस, हमारी स्पीड बहुत कम हो चुकी है, हम लोग एवरेज 60 कर रहे हैं। सो अभी 2 घंटे तो लग जाएंगे हम लोगों को सरचू पहुँचते आराम से, क्योंकि अभी बारालाचा में भी टाइम लगने वाला है गाइस। आ चुके हम लोग नाले की तरफ, एंड ये ज़्यादा बड़ा नाला नहीं है, छोटा सा ही नाला है। ओ भाई ये तो बहुत बड़ा नाला है भाई, नहीं आराम से आराम से। रुको मैं निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ, रुको भाई मैं निकालता हूँ। बाइक पकड़ना। बहुत नीचे, बहुत नीचे, बहुत नीचे, बहुत नीचे, हाँ बहुत नीचे।
बहुत नीचे पेस। एग्जॉस्ट में पानी चला गया पूरा। उसका ना रेव लिमिटर लो पे। हाँ क्या हाल है, बढ़िया। हायाबुसा के साथ कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ओके बॉयज, हियर कम्स आवर हाइलक्स। हाइलक्स तो ट्रक है, मॉन्स्टर ट्रक। गाइस, Z900 ना पता है कहीं पे भी बंद हो जा रही है, कहीं पे भी। एंड दिस वाज द ओनली रीजन हर्ष लास्ट टाइम व्लॉग में गिरा था। हायाबुसा देखो भयंकर, Z900 से ज्यादा भारी है, बट फिर भी आराम से निकल रही है। फोन गिरा दिया भाई। फोन गिर गया यार, मेरा आईफोन। फाइंड माय आईफोन करना दूसरे वाले से। हाँ फाइंड माय आईफोन कर, मिल जाएगा अभी, लेकिन यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है, GPS से काम करते हैं। गाइस हर्ष ने ना फोन गिरा दिया पीछे। भाई कांड पे कांड हो रहे हैं गाइस आज। भाई साहब वो फोन नहीं खोना चाहिए, लेकिन दिखा रहा लोकेशन हर्ष, ये बहुत दूर गिरा है। गाइस हम लोग पीछे तक गए थे ढूंढने के लिए, बट हम लोगों को फोन नहीं मिला यार। भाई फोन खो चुका है गाइस, इसीलिए मैं तो अपने फोन अपने पास रखता ही नहीं, और ये जैकेट की चेन में से निकले है। भाई फोन खोने का दुख बहुत ज़्यादा होता है, पर कोई नहीं गाइस, हम लोगों को जहाँ पर GPS सिग्नल मिलेगा वहाँ पर हम लोग ट्रेस कर लेंगे। और अगर किसी को भी इस व्लॉग से गाइस फ़ोन मिलाना, कभी भी एक फ़ोन मिलाना, iPhone 12 Pro Max हर्ष का वॉलपेपर लगाएगा इस उसमें, तो मेक श्योर आप दे दें प्लीज़। ओके बॉयज, एक और कांड हो गया, बाइक का टायर तो फट गया था हमारा, हर्ष का iPhone भी खो गया गाइस। रास्ते में वो उतर रहा था बार बार, और उसने ना जैकेट में रखा था, और उसने ना चेन नहीं लगाई, टेंपर्ड गया होगा ना बस, और ये फोन भी फेंक दिया उसने पैनिक मोड में। भाई मेरी बात सुन, मेरी बात सुन हर्ष, पैनिक मत हो, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन, सुन मेरी बात। बोल रहे हैं ना SOS, भाई आईफोन नहीं चुरा सकता कोई, मैं बोल रहा हूँ ना, हम स्टोरी लगाएंगे गाइस। ये व्लॉग जो कोई भी देख रहा है, अगर किसी को ये लाइक वाटर क्रॉसिंग के पास कोई आईफोन मिला है, तो आईफोन हमारा है, प्लीज गाइस वी रियली नीड इट। हर्ष का आईफोन है, बहुत सारी चीजें हैं, तो प्लीज दे देना यार। दारचा से सर चुके बीच में किसी को भी अगर एक्सेस मिले आईफोन एक्सेस ब्लैक कलर का, उस पे मतलब एक लेडीज की फोटो लगी हुई है, हाँ, इसकी है। दादी जी की फोटो लगी हुई है, मिल जाएगा, मुझे भरोसा है गाइस, मिल जाएगा, टेंशन मत ले, भरोसे ना ढूंढ देगी। गाइस देयर इज अ पैनिक सिचुएशन राइट नाउ, फोन खो गया यार, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो गई है। अब एंड द थिंग इज़, यहाँ पर ना नेटवर्क भी नहीं है, सबसे बड़ा इशू है कि हम लोग फाइंड माई डिवाइस करेंगे ना, तो आज का आईफोन यहाँ पर मिलेगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ पर GPS के लिए भी हम लोगों को थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, यहाँ GPS भी नहीं चल रहा है। सो हम लोग अभी आगे जा रहे हैं, आगे वहाँ से फाइंड माई डिवाइस करेंगे, होप मिल जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है किसी ना किसी को तो मिलेगा। द्रो मत देख हर्ष प्लीज़ मेरे भाई, मिलेगा भाई हर्ष, भरोसे ना पे भरोसा रख, मिलेगा, टेंशन ना ले।